रूप से आज का दिन आप लोगों के लिए दिया, ताकि आप लोगों से मिलकर यहाँ पर मैं नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े और आपको भी नई ऊर्जा प्राप्त करवाएं। और आज इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री रमेश ठाकुर जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री गोपाल जी, श्री विकास काल्टा जी, अमित कोहली जी, अमित ठाकुर जी, जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोलन के, और हमारे इतने स्थानीय यहाँ के जो आयोजक हैं आज के कार्यक्रम के, उनकी पूरी जो टीम है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे पंचायत के विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और पूर्व प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, यहाँ के हमारे प्रवीण ठाकुर जी जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी जो हमारे युवा साथी यहाँ पर आए हैं, मैं ज़्यादा लंबा कोई यहाँ पे भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है और उसको हम उसी तक ही लिमिटेड रखें तो अच्छा रहेगा। मगर मैं दो शब्द आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा, जब से मुझे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, हमने सकारात्मकता के साथ हमेशा युवाओं की मसलों को, युवाओं के मुद्दों को हर जगह पे उठाने का प्रयास किया, चाहे वो रोजगार से संबंधित है, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, चाहे वो आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित है, या कुछ भी ऐसा मसला जो हमारे युवाओं के संबंध में, जहां जहां हमें मौका मिला, मैंने हमेशा पूरी मजबूती के साथ युवाओं की आवाज को आगे रखने का प्रयास किया, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं, आपका हम उम्र हो, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हमें जो दायित्व दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसका निर्वहन करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और जहां समाज के और लोगों की आवाज को हम समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहते हैं, उसमें हमेशा जो नंबर वन प्रायोरिटी हमारी रहती है वो यूथ रहता है, चाहे वो नशा निवारण के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की बात हो। हमने पीछे अपनी ओर से भी, जो हमारी एक संस्था है उसके माध्यम से, हमने जो है हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स कल्चर एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन के माध्यम से हर साल हम टूर्नामेंट करवाते हैं क्रिकेट का, शिमला ग्रामीण में भी करवाया, उसके बाद पूरे शिमला जिला में करवाया, और अभी हमारा प्लान है आगे कि हम उसको पूरे प्रदेश स्तर पे उस कंपटीशन को, प्रतियोगिता को अगले साल करवाएंगे। अभी कोविड की वजह से पीछे वो नहीं हो पाया, मगर उसका भी मुख्य लक्ष्य यही रहा है कि हम युवाओं को नशे से दूर करें। और आज जो आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं विधानसभा में, अक्सर इस मुद्दे पे हमेशा बहस होती है, इस मुद्दे पे डिबेट्स होती है, और जिस तरीके से चिट्टे का प्रचलन हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसमें सरकार भी अपनी ओर से कार्य कर रही है। आपने अभी पीछे देखा कि जो NDPS का कानून है उसमें संशोधन किया गया, उसे और मजबूत किया गया, मगर उसके बावजूद आज हिमाचल में जो चिट्टा तस्करी है या और जो ड्रग माफिया है, वो लगातार उनका ग्राफ प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है और इस पे कार्यवाही करना, उसके साथ साथ युवाओं को प्रेरित करना कि वो इस चीज में ना फंसे, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से है, चाहे रोजगार के माध्यम से है, चाहे और अलाइड एक्टिविटीज के माध्यम से है, उस चीज को हमें और बढ़ावा आने वाले समय में देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, पैराग्लाइडिंग, अभी हमें खुशी है कि यही आपके शिमला के समीप जो है वो जुन्गा में शुरू हुई है,
उसको और मजबूती के साथ हमें और आने वाले समय में इस इलाके के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए उसे और मजबूती से आगे ले आने की आवश्यकता है। वैसे ही आपके सुन्नी में जो है वो रिवर राफ्टिंग हो रही है और भी जो इसके अलाइड एक्टिविटीज है इसको आने वाले समय में चाहे इको टूरिज्म है उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि हर युवा को जो है वो सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं जब भी कोई इंटरव्यू शुरू होते हैं चाहे वो क्लास 4 के ही क्यों ना हो पोस्टें होगी 200 300 और कितने लोग अप्लाई करेंगे कहीं 40,000 कहीं 50,000 ताबड़तोड़ जो है वो कंपटीशन है। मगर ये सही भी नहीं है किस्म से जो इतने हाईली एजुकेटेड युवा है आज वो भी 4th क्लास की और 3rd क्लास की नौकरियां करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इसको हमको बड़े गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को रोजगार के स्वरोजगार के अवसर हम आने वाले समय में और मजबूती से दिलवाने में अपना प्रयास करें। सरकार की ओर से भी कई स्कीम चलाई जा रही हैं, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, कई जगहों में जो है कम ऋण पे ब्याज दिया जा रहा है, मगर कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपना काम भी करना शुरू किया, कईयों ने छोटा छोटा कोई कंप्यूटर का कोर्स करके कोई वहां पे कोई दुकान खोली या कोई ITI का कोर्स करके कईयों ने अपना छोटा छोटा बिजनेस शुरू किया, वो भी जिस तरीके से चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है। इन सब चीजों को हमें और मजबूती से आने वाले समय पे इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम युवाओं की आवाज को जहां पर भी हो सके हम हमेशा उठाने का प्रयास करते रहेंगे और खास रूप से जो आपके कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं पूर्व में श्री अजय ठाकुर जी, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की और राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने खास रूप से उनसे निवेदन किया कि कबड्डी एक ऐसा खेल है, आप जानते हैं कि पहले इतना लाइमलाइट में नहीं था मगर जब से इसका लीग्स में मैचेस होने शुरू हुए हिमाचल का नाम इसमें आगे बढ़ रहा है और हमने निवेदन किया था उस समय सरकार से मुख्यमंत्री जी से कि आप इसमें एक नया प्रचलन शुरू करने के लिए युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इनको जो है जो समय कैप्टन थे इंडियन कबड्डी के उनको जो है DSP के पद से नवाजे क्योंकि पहले इसमें जो रिक्रूटमेंट होती थी वो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे होती थी। पहली बारी ये हुआ कि सीधे DSP पद से जो है वो श्री अजय ठाकुर जी को नवाजा गया और वैसे ही एक जो हमारी और खिलाड़ी है प्रियंका नेगी जी उनको भी जो है वो सब इंस्पेक्टर बनाया गया। तो ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो हिमाचल का नाम ऊंचा करेगा प्रदेश का नाम ऊंचा करेगा उनको निश्चित तौर से हम ना सरकार की ओर से पूरा उनकी जो टैलेंट है उसे जो है नवाजने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में युवाओं की जहां पर भी हमें आवाज उठाने की कोशिश करें स्पोर्ट्स पर्सन की खासकर से एक अलग से जो है वो पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। आपने अभी पीछे देखा जो हमारे ओलंपिक्स हुए या पैरालंपिक्स हुए जापान में उसमें बहुत से युवा हिमाचल के भी थे हालांकि उन्हें कईयों को मेडल नहीं मिल पाए मगर हिमाचल का नाम उन्होंने रोशन किया। उसके लिए भी हमें एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है कि जो भी खिलाड़ी अलग अलग चाहे वो ओलंपिक्स है चाहे पैरालंपिक्स है उसमें हिमाचल का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है मेडल मिले ना मिले मगर कोई ना कोई मान सम्मान उनको भी सरकार की ओर से मिलना चाहिए जो अभी तक जो नहीं मिल रहा है उसके लिए भी हम आने वाले समय में सरकार से और विधानसभा में उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं एक बारी फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खास करके जो यहाँ का युवा वर्ग है जैसा मैंने कहा कि ये आप लोगों की वजह से इतना समर्थन हमेशा हमें 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 मिलता है। अभी आपने जैसा देखा कि जो 4 उपचुनाव हुए मंडी संसदीय क्षेत्र का और 3 और विधानसभा के उसमें जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है ये इसीलिए मिला है क्योंकि हम सकारात्मकता से आगे बढ़ रहे हैं और हर आवाज को समाज के हर तबके की आवाज को मजबूती से आने वाले समय में उठाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं जिस तरीके से मेरे पिताजी ने राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने
हिमाचल प्रदेश के हर इलाके का सम्मान विकास किया। मैं हर मन से ये कहता हूं, आप लोगों को भी ये कह रहा हूं कि हमारे घर के दरवाजे, शिमला में हॉली लॉज के दरवाजे हमेशा हर युवा के लिए खुले हैं। आप हमारे समक्ष में मिलकर आपकी कोई भी दिक्कत है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे आपके एसोसिएशन की है, चाहे आपकी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी की है, जो भी हमसे हो सकेगा आपकी आवाज को हम हमेशा मजबूत करने का प्रयास करते रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ा होने के लिए हम वचनबद्ध हैं। आप सभी का एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य मेहमान राजा विक्रमादित्य जी का। और एक निवेदन हमारे युवक मंडल की तरफ से, जो युवा कमेटी है, अमित ठाकुर जी,